हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IBPS PO या MTS 2023 के रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करने हैं, फॉर्म भरते समय क्या क्या गलती नहीं करनी है। तो ये जो वैकेंसी निकली है ये 3049 पोस्ट के ऊपर निकली है, जिसमें क्वालिफिकेशन रहेगा एनी डिग्री। तो चलिए इसको रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल प्रिंट आउट तक का पूरा डिटेल से समझेंगे कि किस प्रकार से आपको इसका फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको जाना है गूगल के ऊपर और टाइप करना है IBPS। जैसे ही आप IBPS टाइप करोगे तो IBPS से टाइप करने के बाद में शुरू में एक वेबसाइट आएगी IBPS, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पे आपको न्यू वैकेंसी दिखाई देने वाली है। जो भी वैकेंसी दे रखी है वो आपको या तो यहाँ पे दिखाई देगी, जैसे अपन बात कर लेते हैं IBPS की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको नोटिफिकेशन फॉर द CRPF PO या MT। इसके यदि आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो अप्लाई ऑनलाइन का और नीचे दे रखा है नोटिफिकेशन, यानी यहाँ पर जाकर आप इसका नोटिफिकेशन ये डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये नोटिफिकेशन हो गया, इसमें आपको जो भी डिटेल्स चेक करनी हो वो डिटेल्स चेक कर सकते हो। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये 1/8 से स्टार्ट हो चुके हैं, 21/8 तक। यदि ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात की जाए तो ये सितंबर या अक्टूबर के आसपास इसका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। मेन एग्जाम ये नवंबर 2023 तक होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है। तो इसके लिए आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन पे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें क्लिक करना है क्लिक हर फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, यानी आपको सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम शो करना है। कन्फर्म फर्स्ट नेम में जैसे आपका नाम नवीन है तो यहाँ पर टाइप कर देंगे नवीन। यदि आपके पास में मिडिल नेम है तो मिडिल नेम टाइप कर दो, या फिर लास्ट नेम जो भी आपका सरनेम है, जैसे शर्मा है तो नवीन ऊपर आ जाएगा, शर्मा यहां पे, फिर कंफर्म लास्ट नेम में शर्मा यहां पे, तो यहां पे आपको दिखाई देगा फुल नेम नवीन शर्मा यहां पे लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में आपको यहां पे मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर फिल करने हैं, आपकी जो भी ईमेल आईडी है, जो भी ईमेल आईडी वो यहां पे फिल कर देना है, और यहां पे लगा देंगे अपना डोमेन नेम, जो भी डोमेन नेम है जैसे जीमेल है, हॉटमेल है, in.com, तो वो यहां पे आप फिल कर देंगे। उसके बाद में दे रखा है कंफर्म ईमेल आईडी, यानी आपने जो यहां पे ईमेल आईडी लगाई थी वो कंफर्म करनी है, यानी वापस से यहां पे फिल करनी है। सिक्योरिटी कोड लगा के इसको कर देंगे 7 next। जैसे 7 next पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे और एक पासवर्ड मिल जाएंगे। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको आपके ईमेल आईडी पर भी मिलेंगे, साथ ही आपके जो मोबाइल नंबर लगाए थे उन पे भी इसका एक मैसेज चला जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको जो फोटो है ये तो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए और सिग्नेचर होनी चाहिए 10 से लेके 20 KB के बीच में। यदि फोटो की साइज रिसाइज करनी है तो ऑनलाइन जाना है, बल्क इमेज रिसाइज पे क्लिक करना है। ये सर्च करके इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा चूज इमेज का, फोटो सेलेक्ट करनी है यहाँ से आपकी जो भी अपलोड कर रहे हैं फोटो या सिग्नेचर। और उसके बाद में यहाँ पे एक तो स्केल दे रखा है और एक दे रखा है इमेज क्वालिटी, और यहाँ से कर देंगे स्टार्ट। जैसे स्टार्ट करेंगे तो पहले 24 KB थी और अब हो गई है फोटो 8 KB की, लेकिन अपन को फोटो की साइज ज़्यादा चाहिए थी तो यहाँ से अपन चेंज कर देंगे। जैसे इसको 150% किए तो अब हो गई है साइज 31 KB की। फोटो चाहिए थी अपन को 20 से 50 KB के बीच में, तो ये फोटो आप अपलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार से इमेज रिसाइज कर सकते हैं। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आई कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, फिर से आई कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, और आई कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद में इसको कर देंगे नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे आपकी जो भी कैटेगरी हो वो कैटेगरी चूज कर लेना है। नेक्स्ट दे रखा है, यदि आप डिसेबल्ड पर्सन हो तो यस पे क्लिक करना है, आपकी जो भी डिसेबिलिटी है वो सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। ये सारे ऑप्शन जो है ये डिसेबल्ड पर्सन के लिए थे, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, यानी आपको इनमें से कुछ भी फिल नहीं करना है। जैसे नीचे की तरफ आओगे तो नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। एक्स सर्विसमैन है तो आपकी एक्स सर्विसमैन की डेट वगैरह जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। उसके बाद में आएगा जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जैसे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्ध हो, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो यस कीजिए, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। नेक्स्ट दे रखा है, यदि आप
सर्विस कर रहे हो गवर्नमेंट के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर, तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। यानी फाइनेंस बैंक के अंदर या फिर फाइनेंस या डिपार्टमेंट के अंदर वर्क कर रहे हो, गवर्नमेंट हो गए या प्राइवेट, तो यस करना है, अदरवाइज इसको नो करना है। ये आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर सकते हो। नीचे दिया हुआ है, यदि आपने CWE या फिर CRPF, PO या MT का पहले प्री एग्जाम दिया है तो यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद में हाउ मेनी अटेम्प्ट, यानी कितनी बार आपने इसका एग्जाम दिया है, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट दे रखा है अटेम्प्ट के बारे में, यानी CWA, CRPF, PO, MT, इसका आपने कितनी बार कौन कौन से फॉर्म आपने दिए है, यानी कौन कौन सा प्री एग्जाम दिया है, वो आप कंट्रोल की सेलेक्ट करके दे सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए 2-3 से ज़्यादा प्री का एग्जाम दिया है, तो वो यहाँ से कंट्रोल की दबानी है और यहाँ से जितना भी की है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में नीचे ऑप्शन आएगा आपकी नेशनलिटी के बारे में, नेशनलिटी इंडिया आ जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है आपकी एग्जाम के बारे में, यानी आप अपना एग्जाम सेंटर जो है ये कहाँ पे चाहते हो, जैसे दिल्ली के अंदर चाहते हो, गोवा, गुजरात, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट दे रखा है स्टेट कोड, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी जैसे राजस्थान के स्टेट कोड 39 है तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। मणिपुर का कोड दे रखा है 32, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है सेंटर, यानी जहाँ पे भी आप प्री एग्जाम का सेंटर चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट दे रखा है मेन एग्जाम का सेंटर, वो भी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो दोनों सेंटर सेलेक्ट करने के बाद में जब आप इतना एग्जाम देने जाओगे तो आप अपने साथ में कौन सी आईडी लेके जाओगे, तो वो आईडी प्रूफ की आपको डिटेल देनी है। जैसे आप आधार कार्ड लेके जाना चाहते हो तो आधार कार्ड की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, और आधार कार्ड यानी आईडी प्रूफ नंबर के अंदर आपके जो आधार कार्ड के नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट दे रखा है आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ में डे, मंथ और ईयर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट दे रखा है जेंडर, जो भी आपका जेंडर है जैसे मेल है या फिर फीमेल है, वो जेंडर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है आधार नंबर देने हैं आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। आगे दिया हुआ है यदि आप ट्विंस ब्रदर या सिस्टर हो तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। यदि ट्विंस ब्रदर है तो ट्विंस ब्रदर या सिस्टर का जेंडर सेलेक्ट करना है आपको। जो भी नाम है आपके ट्विंस का वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैरिड का स्टेटस सेलेक्ट करना है, अनमेरिड है या फिर मैरिड है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फादर्स नेम में आपके फादर्स नेम आ जाएंगे, मदर्स नेम में आपका मदर्स नेम। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा जैसे आपने मेरिट सेलेक्ट करते हो तो इस ऑप्शन में यदि आप मेल हैं तो अपनी वाइफ का नाम एंटर करना है, फीमेल है तो अपने हस्बैंड का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। नेक्स्ट दे रखा है आपको एड्रेस, जिसमें आपको एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल के अंदर आपके पास में एक तो दे रखा है पोस्टल एड्रेस, यानी आपका पोस्टल एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, और एक दे रखा है परमानेंट एड्रेस। यदि आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर क्लिक कर देंगे सेम एज एड्रेस पे, यानी ऊपर जो एड्रेस दिया था पोस्टल एड्रेस वो सेम एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद में दे रखा है आपको GST का इनवॉइस, यानी GST का बिल जो है आप कौन से एड्रेस पे चाहते हो, तो इसमें कोई सा भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में करेंगे इसको वैलिडेट योर डिटेल पे, उसके बाद में करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है, जैसे ग्रेजुएशन की डिटेल, आपने क्या कर रखा है, BE, BTEC, BSc, जो भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है वो ग्रेजुएशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे आपने कॉमर्स से किया है, साइंस से किया है, वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, जिस भी ईयर के अंदर आपने इसको पास किया था वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट दे रखा है परसेंटेज, आपको यहाँ पे परसेंटेज फिल करनी है। परसेंटेज यहाँ पे पॉइंटों में फिल नहीं करनी है, जैसे 65.99 है तो आपको 65, 66 ये फिल करनी है। जैसे यहाँ पे दे रखा है ऊपर, यदि आपकी परसेंटेज 59.99 है तो आपको 60% फिल करनी है। उसके बाद में आपकी ग्रेड सेलेक्ट कर देंगे, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या फिर पास क्लास, तो ये सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट दिया हुआ आपके पास में, यदि आपके पास में कंप्यूटर की नॉलेज है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। नेक्स्ट यस पे क्लिक करने के बाद में यदि आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा पे सेलेक्ट कर लेंगे, डिग्री की हुई तो डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये यहाँ से आप अपने सेलेक्ट कर सकते हो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, या फिर अदरवाइज इसको नो कर देंगे। नेक्स्ट दे रखा है वर्किंग एक्सपीरियंस, यदि आपके पास में एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे यदि आप प्री एग्जाम की ट्रेनिंग चाहते हो तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ये जो है ओनली SC ST OBC या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी इन स्टूडेंट के लिए दिया गया है। यदि यस करेंगे तो आप अपनी ट्रेनिंग जो है ये कहाँ पे चाहते हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। नेक्स्ट दे रखा है यदि आपके पास कोई केस है, कोर्ट लो है, तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करेंगे। लैंग्वेज नो के अंदर आपने जो भी लैंग्वेज आती हो, जैसे हिंदी आती हो, हिंदी के अंदर रीड, राइट और स्पीक,
ऐसे ही यदि आपको अदर लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश आती हो या फिर कोई सी भी अदर लैंग्वेज आती हो तो उसको करेंगे रीड राइट स्पीक, जो भी आपको आती हो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। वैलिडेट डिटेल पर क्लिक करने के बाद में वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा और इसको करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, जो भी बैंक वगैरह है उसमें फर्स्ट नंबर पे आप कौन सा बैंक चाहते हो सेकंड नंबर पे, तो वो यहाँ से आप अपना बैंक अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद में वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है और इसको कर देंगे सेवन नेक्स्ट। जैसे सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू पेज निकल के आएगा। इस प्रीव्यू पेज के अंदर आपको चेक करना है अपनी डिटेल, यदि कोई मिस्टेक हो गई है तो उसमें आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए सबसे लास्ट में जाना है और बैक बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाके आप अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हो। यदि फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं है तो आई एग्री पे क्लिक करो, आई कन्फर्म पे क्लिक करो। इन पे कन्फर्म करने के बाद में इसको कर देंगे कम्प्लीट रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना लेफ्ट थंब अपलोड करना है और एक है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये यहाँ पे अपलोड करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको इसके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप यहाँ से भी ये जो डिक्लेरेशन दे रखा है इसको वाइट पेज के ऊपर लिख के इसको फोटो लेके इसके सबमिट करना होता है, जिसमें आई के बाद में यहाँ पे आपका जो भी कैंडिडेट नेम है वो कैंडिडेट नेम लिखने के बाद में यहाँ से लहा तक का डिटेल ये फिल करनी है एक वाइट पेज के ऊपर और इसको यहाँ पे जाके अपलोड कर देंगे। हैंड रिटन डिक्लेरेशन इसकी साइज रखनी है 50 से लेके 100 केबी के बीच में। डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद में जो कैप्चा कोड लगाया हुआ है वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पे लिखना है और इसको कर देंगे सेवन नेक्स्ट। जैसे सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आएगा अपने पास में पेमेंट का। पेमेंट 850 रुपये आपको पे करने हैं, नीचे कैप्चा कोड लगाना है और उसके बाद में कर देंगे इसको सबमिट। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप पेमेंट जो है ये कौन से मोड से करना है आपको पेमेंट, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक, यहाँ से आप क्यूआर कोड, यूपीआई के थ्रू, इनके थ्रू आप इसका पेमेंट कर सकते हो। जैसे क्यूआर कोड के थ्रू करना है तो क्यूआर कोड पे जाना है, मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में आपको 850 रुपये ये पे करने हैं। पे जो है आप क्यूआर कोड के थ्रू या फिर आपकी यूपीआई आईडी के थ्रू कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद में आप इसके फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से IBPS PO MT 2023 इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।